तारीख को 14 जून को मंडल कस्बे में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया और गैंगरेप करने के बाद उसको बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया, मार दिया। मंडल के कोर्ट में उसकी डेड बॉडी मिली और उसके अपराधी अब तक नहीं पकड़े गए और षड्यंत्र यहां तक हुआ है कि जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें गैंगरेप होने के बाद भी यहां के स्थानीय विधायक और मंत्री के दबाव में उसको रेप को पर्दा डाला जा रहा है। परिजन और मंडल कस्बे और आसपास के गांव के लोग तब से ही धरना देकर बैठे हैं। मैं मंडल जाना चाहता हूं, सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और हमको पुलिस ने कोरगांव पर घेर लिया है, आगे नहीं जाने देना चाहते हम। इस विभत्सकारी जो घटना हुई है उसकी जानकारी लेना चाहते हैं और जनता जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, जो मांग कर रही है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, जो गैंगरेप किया उनको गिरफ्तार किया जाए और बाकी की जो मांगे हैं उनके समर्थन में जाना चाहते हैं। लेकिन भारी पुलिस बल पुरगांव थाने के सामने तैनात कर दिया, हमको नहीं जाने दे रहे, इसलिए हम यहीं धरना देकर बैठ गए हैं। उधर भी धरना चलेगा और यहां भी धरना चलेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा या कोई बड़े अधिकारी यहां पर आकर हमको आश्वस्त नहीं करेंगे, तब तक हम यहीं पुरगांव के सामने थाने पर सड़क पर धरने पर बैठेंगे।